हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे थे। अब है अपन पढ़ेंगे फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का? इफ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, इफ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, Electrons are involved, in an electrode reaction, in an electrode reaction, then the passage of n farade of electricity, will liberate one mole of the substance, क्लियर। अब आप नोट डाल लीजिएगा, एक नोट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। फॉर द डिपोजिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट वेट नोट, फॉर द डिपोजिशन one equivalent weight of substance, clear, one farade of electricity will be required, clear। कुछ examples से आइए अपन इसको समझते हैं। one equivalent weight oxygen, अगर अगर आपको लिबरेट करनी है तो कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी? एक फेराडे, मतलब एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिबरेट या डिपॉजिट करती है, क्लियर। ऐसे ही वन फेराडे अगर हाइड्रोजन की बात करें या कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर कर लूँ या एल्यूमिनियम कर लूँ या क्लोरीन की बात कर लूँ या जिंक की बात कर लूँ, तो इन सब के लिए है जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो किसके बराबर होगी? वन फेराडे। ऑलवेज रिमेंबर इट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके।